भैया पॉलिटिकल साइंस पर वीडियो ला दो हो, ला दो ला दो। और आज वीडियो फाइनली आ गई है। आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं यार कि कैसे पॉलिटिकल साइंस में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। चाहे अभी आपका कुछ हुआ हो चाहे कुछ ना हुआ हो, कोई उससे अंतर नहीं आता। आज मैं सिंपल आपको टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे यार अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल गारंटीड बात है बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। पूरा वही हम बात करते हैं तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में किस स्टेप वाइज हमको प्रिपरेशन करना है। फिर जब हमारा पूरा प्रिपरेशन हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, कुछ टिप्स भी आखिरी में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस चालू कैसे करना है। तो अभी अगर आपके पूरे चैप्टर बचे हो या कुछ चैप्टर बचे हो उस समय अंतर नहीं आता है। सबसे पहला हमें काम करना है चैप्टर को कंप्लीट करना। अगर आपका एक चैप्टर बचा तो आप उसी को अज्यूम कीजिए, अगर आपके पूरे बचे तो आप पूरे लेकर चलिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। अब चैप्टर पढ़ने के दो तरीके आते हैं, या तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। आपको बस एक चीज ये याद रखनी है यार कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो अभी बिल्कुल फाइनल डेज प्रिपरेशन चल रहे हैं। अब यहाँ पर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे फिर से करना है। और पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि जब भी रीडिंग कर रहे हो या हमारी वीडियो देख रहे हो तो एक चीज याद रखो कि पॉलिटिकल साइंस में जिस दिन आपको हर एक डायरेक्शन का नॉलेज हो गया उस दिन आपके मार्क्स नहीं कट सकते। मतलब अगर सिंपल वे में बोलूँ तो सपोज हम इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां पर हम इमरजेंसी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी के पहले क्या माहौल था, इमरजेंसी के बाद क्या माहौल होगा, इमरजेंसी के समय क्या माहौल था, इमरजेंसी के पॉजिटिव साइड, इमरजेंसी के नेगेटिव साइड, इमरजेंसी में किसका रोल था, लोगों का उस पर क्या कहना था, मतलब पूरी चीज़ें, पूरे जितने क्वेश्चन इमरजेंसी रिलेटेड उठ सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और ये डायरेक्शन हर बार अलग अलग रहेंगे। जैसे अगर इमरजेंसी में तो मे बी पॉजिटिव साइड निकल सकता है, लेकिन क्या वर्ल्ड वॉर में पॉजिटिव साइड आ सकता है, बहुत मुश्किल है। तो हर चीज में डायरेक्शन अलग होंगे। इसको सिंपल मैं ये कह सकता हूं कि जब तक अपने आंसर ढूंढते रहो जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म ना हो जाएं। जैसे कि अगर कोल्ड वॉर का एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड वॉर क्यों हुआ, कब हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे, किस किस ने पार्ट लिया, ग्रुप के नाम क्या थे, ग्रुप ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन करी, उस ग्रुप में कितने लोग थे, कौन सा ग्रुप बेटर था कौन सा नहीं था, आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, कितनी आइडियोलॉजी थी, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएंगे जब आप कोल्ड वॉर पढ़ोगे। और इन सबका आंसर आपसे बनना चाहिए। जिस दिन आपसे क्वेश्चनिंग पूरी आपकी कंप्लीट हो जाए कि यार मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर आता है, उस दिन आपके पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स नहीं कट सकते। अब आप बोलोगे इतने सारे क्वेश्चनों के मुझे आंसर कहाँ मिलेंगे, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। हमारी जो वीडियो बनती है वो भी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड बनती है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जहाँ पर सब दिया हुआ है। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं वो सभी के सब एनसीईआरटी में होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी अगर आपने को आप पूरी अच्छे से पढ़ ली है कि बारीकी में आप घुस गए तो पॉलिटिकल साइंस में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। तो हमेशा याद रखो जो हमारा पहला स्टेप आता है चैप्टर का प्रिपरेशन करना, वो इसी तरीके से जाएगा। मतलब अपने आप से क्वेश्चनिंग करते जाओ चैप्टर करते करते, और बिल्कुल उसको पूरे सॉल्व करते जाओ अपने क्वेश्चंस को, आपके चैप्टर तैयार हो जाएंगे। ये हमारा होता है पहला स्टेप। अब इसके बाद आता है दूसरा स्टेप कि जब चैप्टर पूरे हो गए, अब हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो गए, तो दूसरा स्टेप हम क्या करें, अब हमें करना है आईएमपी क्वेश्चंस। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप अपनी आंख बंद करके हमारी पॉलिटिकल साइंस की आईएमपी वीडियोस देख लेना, बोर्ड में आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओगे, पूरे आंसर भी बनने लगेंगे अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया और आईएमपी पूरे देखे हुए। आईएमपी के बहुत सारे फायदे हैं। आईएमपी से आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपसे आईएमपी वाले क्वेश्चन बनते होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है। जब दोनों चीजें होती है ना तो बोर्ड में एक अलग लेवल का ही पेपर आप लिख पाते हो, तो इसलिए आईएमपी बहुत जरूरी होता है। तो दूसरा स्टेप आता है बिल्कुल अच्छे से आईएमपी देखिए। आईएमपी के बाद अब तीसरी एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मैप्स और कार्टून्स और पैसेज, जो पॉलिटिकल साइंस में आता ही है और बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें डाउट रहता है। इन पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनका प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। मैप्स की तीन वीडियो हमारे चैनल पर आई हुई हैं, प्लेलिस्ट अगर आप पॉलिटिकल साइंस की खोलेंगे तो टॉप में ही तीन आपको दिख जाएंगी। वो आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, आपका मैप प्रिपेयर हो जाएगा। मैप के लिए आप बाकी सैंपल पेपर में मैप देख सकते हैं, बाकी बहुत सारी रिफ्रेशर में मैप होता है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ हमारी वीडियो के मैप देख रहे हैं तो अपने आप में ही वो बहुत होते हैं। आप मैप देख लीजिए। मैप देखने का कार्टून की बात कर लेते हैं, कार्टून की बहुत जल्दी वीडियो चैनल पर आने वाली है। बाकी कार्टून आपको रिफ्रेशर में भी देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं कभी रिफ्रेशर रिकमेंड करता ही नहीं हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप अपनी एनसीईआरटी में जो कार्टून दिए हैं वो देख सकते हैं, बाकी हम तो वीडियो लेकर आएंगे। ये हो जाता है कार्टून। पैसेज का भी यही तरीका है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो पैसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है।
तो पैसेज को तो बिल्कुल आप ये सोच दीजिए कि हटा दीजिए दिमाग से कि आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया तो पैसेज आपसे बन ही जाएगा। तो ये होते हैं इन तीनों का बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पर, बहुत जल्द आप वीडियो देखेंगे, ये आपके प्रिपरेशन हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन भी हो गया, IMP भी हो गए, मैप कार्टून का भी हमने कर लिया अपना, अब क्या करना है? सैंपल पेपर, कोई भी रिफ्रेशर पढ़ने की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में रिफ्रेशर की जरूरत ही नहीं होती। अब आपको एक ही काम करना है, वो है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर सॉल्व करते जाओ, मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि सैंपल पेपर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, अभी शॉर्ट में बोल देता हूँ। उससे आपको पेपर का पैटर्न मालूम चलता है, साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, आंसर फ्रेमिंग अच्छी होती है, और बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसलिए एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर तो सॉल्व कर ही लेना, और बाकी भले ही पढ़ लेना। तो सैंपल पेपर आप करोगे, ये स्टेप पूरे आते हैं कि कैसे आपका पॉलिटिकल साइंस एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये होगा कि अब टाइम कम बचा है, तो कुछ टिप्स भी बता दीजिए कि कैसे इतनी जल्दी करें। तो आपको सिंपल एक 3 टिप्स मैं भी बताने वाला हूँ, बिल्कुल इन 3 टिप्स को फॉलो करिए, आपका सब हो जाएगा। सबसे पहली टिप आती है कि अब जो भी करो ये सोच के करना कि अब यू टर्न का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, जैसे चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं, मतलब उनको एक बार में चैप्टर समझ में नहीं आता। कई बच्चे गलती क्या करेंगे, 15-20 दिन चैप्टर पढ़ेंगे, फिर याद आएगा कि यार मुझे तो दिमाग में कुछ समझ में ही नहीं आया, क्यों ना कुछ वीडियोस देख लेता हूँ। अगर आपको पहले से पता है कि नहीं यार मुझे चैप्टर रीडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, मेरे पास टाइम नहीं है अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने का, तो आप तुरंत वीडियो देखिए। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुल मिला के ये भी ना हो कि एक गलत बुक से ही पढ़ रहे हैं, जब वो बुक पूरी पढ़ ली फिर बाद में मालूम चल रहा है कि यार ये तो गलत बुक थी, अब क्या करें टाइम ही नहीं बचा। तो अब बिल्कुल ये सोच के अपना काम कीजिए कि अब यू टर्न का मेरे पास मौका नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है भाई, तो अब क्या किया जाए। तो सिंपल सा एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि बिल्कुल जो भी अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हो, बिल्कुल देखो कि क्या ये मैं अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसी के बाद अपना डिसीजन लो। इसके बाद दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल आपने जो एक स्ट्रेटेजी बना ली उसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस एकदम पढ़ रहे हो, अब आपको कहीं से कुछ और मालूम चला तो आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते हो। कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करो, अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को ही थोड़ा मॉडिफाई करते जाओ, बाकी पूरा एकदम स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में नहीं, मैं ओवरऑल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। कई लोग गलती ये करते हैं, साल भर ऐसे पढ़ रहे हैं, जब बोर्ड एग्जाम को एक महीने बजेगा तो बिल्कुल एक अलग रास्ता ले लेंगे। ये गलती कभी मत करना, थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाओ चीज़ों को, लेकिन एकदम से हर चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक आपने एक भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो हमारी पुरानी वीडियोस देखो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ और आगे बढ़ो। ये आप करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यार ये हमेशा याद रखो कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएंगे ना तो उसके आंसर की कोई सीमा ही नहीं होने वाली है। आप आंसर पूरे मन से लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो जो शायद बुक में ना हो लेकिन वो सही हो, वैलिड हो। तो इसलिए अपना हमेशा नॉलेज बढ़ाते रहो, आजू बाजू से नॉलेज बढ़ाओ। अगर बुक पढ़ रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चन करके गूगल पर सर्च करो कि यार इस क्वेश्चन का अगर NCERT में आंसर है तो इसका आंसर क्या हो सकता है। जो चीज़ NCERT में नहीं है वो बोर्ड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, लेकिन आप वो आंसर जरूर लिख सकते हो कोई और क्वेश्चन में, अगर वो उससे थोड़ा सा वैलिड लग रहा है आपको। इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, आंसर भी बड़े हो जाते हैं, और एक अच्छा ऐसा लगता है चेकर को कि यार कोई समझदार बंदे की मैं आंसर शीट चेक कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत फायदा मिलता है इसका। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भले ही आप NCERT भूल चुके हो लेकिन आपका नॉलेज इतना ज़्यादा आपके पास कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने भी कई आंसर ऐसे लिखे थे जो मुझे NCERT याद नहीं थे, मैंने पूरे मन से लिखे लेकिन वो आंसर एकदम वैलिड थे तो मुझे पूरे मार्क्स मिले। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वीडियोज में, तब तक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया, बाय बाय।